हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द कंपटीशन सीरीज आज हम लेके आए हैं एक और कंपटीशन का क्वेश्चन जो कि पूछा गया था नीट 2020 में फ्रॉम द मोल ऑफ 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 द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर एटम्स फर्स्ट ग्राम मैग्नीशियम जिसका अटोमिक मास कितना है चौबीस एक ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन का अटोमिक मास है हमारा सिक्सटीन लेकिन बात करी गई है मॉलिक्यूल की वन ग्राम ऑफ लिथियम एंड वन ग्राम ऑफ सिल्वर तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए एज पर द मोल कॉन्सेप्ट ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मोलिकुलर मास इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्राम मोलिकुलर मास इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होता है बच्चों ये किसके बराबर होती है क्वांटिटी ये वन मोल के बराबर होती है वन मोल और वन मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं हमको पता है सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इन टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स पार्टिकल्स कुड बी एटम्स अगर वो एलिमेंट है तो क्या होंगे एटम्स होंगे अगर वो मॉलिक्यूल है तो क्या होंगे मॉलिक्यूल्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे अवैगरो नंबर बोला जाता है और रिप्रेजेंट करा जाता है एन ए से राइट right? तो इसको फाउंडेशन मानते हुए हम चारों ऑप्शन पर चलते फर्स्ट ऑप्शन हमको दिया गया था ऑप्शन नंबर ए Magnesium. Magnesium number, right? hai, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम का ग्राम मास ट्वेंटी फोर ग्राम्स यानी कि ट्वेंटी फोर ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे एन ए विच इज अगे गैट्रो नंबर राइट क्योंकि ये एक मोल के बराबर है तो अगर चौबीस ग्राम में एन ए के बराबर नंबर ऑफ एटम्स हैं तो एक ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने एटम्स होंगे बच्चों एन ए बाई ट्वेंटी फोर तो दिस बिकम्स आवर ऑप्शन नंबर वन एन ए बाय ट्वेंटी फोर ऑप्शन नंबर टू बी पार्ट किया था एक ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीजन इज अ मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा बच्चों दो एटम्स है एक मॉलिक्यूल में एक एटम का मास सिक्सटीन तो दो एटम का मास थर्टी टू यानी थर्टी टू इज द ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन तो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो होगा अवेगैड्रो नंबर के बराबर एन ए तो अगर 32 ग्राम में एन ए है तो एक ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों एन ए बाय थर्टी टू राइट एन ए बाय थर्टी टू अब हमको यह भी पता है कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में O2 में कितने एटम्स हैं दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो अगर मैं इस क्वांटिटी को नंबर टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑप्शन आ जाएगा NA by 16. तो क्या आ गई हमारे नंबर ऑफ एटम्स राइट आ गई हमारी वैल्यू नंबर टू अब आ जाते हैं अपने थर्ड ऑप्शन पे थर्ड ऑप्शन में हमको दिया गया था एक ग्राम ऑफ लिथियम लिथियम का टॉमिक मास से बच्चों तो सात ग्राम ऑफ लीथियम सेवन ग्राम्स ऑफ लिथियम में कितने होंगे अवेगाड्रो नंबर के बराबर बिकॉज ये किसके बराबर है? मोल सेवन ग्राम विच इज ग्राम अटोमिक मास तो ग्राम ऑफ लीथियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे जल्दी से कैलकुलेट करेंगे तो एन ए बाई सेवन एटम्स ये बन जाती है हमारी क्वेश्चन नंबर थर्ड और लास्ट इक्वेशन विच इज पार्ट नंबर डी एक ग्राम ऑफ सिल्वर सिमिलरली करेंगे सिल्वर का ग्राम अटोमिक मास एक आठ ग्राम ऑफ सिल्वर हैज एन एटम्स बच्चों 108 ग्राम ऑफ सिल्वर में कितने एन ए अवैग नंबर ग्राम एटॉमिक मास तो एक ग्राम ऑफ सिल्वर में कितने होंगे एन ए बाय 108 एटम्स ये बन जाती है हमारी ऑप्शन नंबर फोर अब हमने करा क्या है हमने चारों ऑप्शंस में एन के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाली है अब हमें चेक करना है किसका सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसकी वैल्यू यानी नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा इस केस में एन ए बाई ट्वेंटी फोर यहां पर एन ए बाई सिक्सटीन यहां पर देखोगे तो एन ए बाई सेवन सेवन की वैल्यू सबसे छोटी है तो आंसर क्या हो जाएगा एन ए बाय सेवन अगर सबसे छोटा है तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो सेवन ग्राम्स ऑफ लिथियम कंटेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स राइट स्टूडेंट तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक करें प्लीज सब्सक्राइब करें एंड कीप ट्यून इन फॉर मोर सच वीडियोज